6 मैच अब तक खेले हैं, कोई भी नहीं हारा। उनकी ये जो जीत की जो स्पिरिट है, जीत का जज्बा है, कहाँ से लाते हैं, क्या खाते हैं वो? भाई उनके अंदर पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और वो बिकाऊ नहीं है। बात तो सही है। और मैं किसकी मिसाल दूं, अनफॉर्चुनेटली यू बेटर नो। तो वो लोग अपने पैशन से खेलते हैं और उनके अंदर एक लीडरशिप होती है, और लीडरशिप मींस के ऑल टीम वांट्स टू वर्क टुगेदर एंड वांट्स टू विन। मैम उनका जो कैप्टन है वो बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान है। उनकी कैप्टनसी में हमने लड़ाइयां नहीं देखी, और कैप्टन ऐसे मेहनत कर रहे होते जैसे मजदूरों की तरह। हमारे कैप्टन की तरह घमंड नहीं है कि बस मैं खेलूंगा बाकी कोई ना खेले। यस बिल्कुल, ही इज वेरी 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 जो है वो डाउन टू अर्थ मैन। सही पकड़े हैं। हर कोई, आप जब भी देखें कोई भी लीडर जब भी अपना डाउन टू अर्थ होगा और वो जरूर अपनी टीम को विन करवाएगा। कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। कोई मैच जबरदस्त खेलता है और मेहनत से खेलता है, ऑफ कोर्स जिसके अंदर मोटिवेशन होती है और तो उसको देखने में बिल्कुल मजा आता है, वो चाहे कोई भी टीम हो। इधर अगर हमारे फेवर की हो और वो भले वो भारत ही क्यों ना हो। बहुत से लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया नहीं हरा पाएगा। इंडिया को इतने लाइट में क्यों लिया हुआ था? इंडिया को इसलिए लाइट में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो वाकई में एब्सोल्युटली ऑसम था। अच्छा ठीक है, बट नाउ इंडिया छा गया। बिल्कुल इंडिया छा गया, और चाहे आपका वो राइवल हो या कुछ भी हो, आपको जो है वो ऑनेस्टी के ऊपर उसको फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीइंग अ ह्यूमैनिटी बस। एग्जैक्टली, और एक स्पोर्ट में जो अच्छा खेलता है व्यूअर्स जो होते हैं उसी को ही सपोर्ट करते हैं, फैन उसी को सपोर्ट। राइवल हो या हमारा फ्रेंड हो, डजंट मैटर। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा हो गया, एग्जैक्टली हो गया। लेकिन इंडिया ने अपना बदला भी ले लिया ना, पिछला ओडीआई फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने भी हरा दिया ना। अफगानिस्तान ने भी हरा दिया ना। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, चांस है अभी वर्ल्ड कप जीतने का। इंडिया को चांस मिल गया। सर रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? सेंचुरी के बहुत पास थे कि आउट हो गए। 92 रन्स T20 वर्ल्ड कप के अंदर बनाना अपने आप में आज तक का हाई स्कोर भी है और एक रिकॉर्ड भी है। आपको बताता हूँ कि इंडिया के खिलाड़ी जो है ना वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। सही पकड़े हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टीम है इंडिया की। रोहित ने क्या छक्के और चौके मारे हैं, मजा आ गया। क्या कहेगी इंडिया ने इतनी बड़ी टीम को चुटकियों में हरा दिया। इंडिया एक मेहनती और क्या कहना चाहिए, एक बड़ी जबरदस्त टीम है जो बड़े दिल से खेलती है, दिल और जान से खेलती है। इंडिया जो है वो आजकल आगे जा रहा है। कौन लेके जाएगा, आपको क्या लगता है इंडिया ले जाएगा? जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितनी बॉलिंग जितनी बैटिंग उसने अपनी इस दफा स्ट्रॉन्ग रखी है, लग तो रहा है कि वो लेके जाएगा क्योंकि वो बहुत मेहनत से खेल रहा है और बहुत पावरफुल खेल रहा है। आज जश्न का समा, इंडिया कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, पहला फाइनल वो जीते थे, अब देखते हैं लेट्स गो के अब क्या होता है। अच्छा वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। हाँ। वो विनिंग बैट्समैन है, ठीक है, कोहली भी विनिंग बैट्समैन है, अच्छा खेला उन्होंने, बहुत अच्छा खेला है। कोहली नहीं चल रहा, आज भी कोहली आउट हो गया, हालांकि तो बहुत बड़ा बैट्समैन है। हाँ, बैड लक समझ लो आप, हर एक खिलाड़ी के साथ होता है इस तरह। सर अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की नोयत की बात करें तो मैं कह रही हूँ कि फाइनल से भी बड़ा आज का मैच था। हार्दिक उनको बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है। हार्दिक बहुत अच्छा जाहिर उनके पास प्लेयर है। तो मैं बात करी थी इतना बड़ा मैच था और इंडिया से जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा खेलने वाली टीम है, मेहनत करने वाली टीम है, अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है तो इंडिया ने तो फिर तोड़ना ही था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान इंडिया से सीख के इतना अच्छा परफॉर्म करे तो इंडिया तो फिर उस्ताद है। लेकिन वो पता है कि उनके खिलाड़ी जो है ना मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, टीम के मुल्क के लिए खेलते हैं। ये तो इनको कैच पकड़ना पड़ जाए तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। सर हमारे खिलाड़ियों में वो दम नहीं है जो इंडिया के प्लेयर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसी तरह ही है। तो सर आपके मुताबिक या आपके तजर्बे से क्या लगता है कि वर्ल्ड कप इस दफा ट्रॉफी कौन ले जाएगा? मेरे ख्याल में तो इंडिया का ही बनता है इस वक्त। आप क्या कह रहे हैं जी? इंडिया ही, इंडिया की बनता है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। एग्जैक्टली, और जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैच 6-6 जीते, किसी से भी नहीं हार रहे। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, वो मेहनत की है उन्होंने, स्ट्रगल किया है, हर खिलाड़ी ने मेहनत की है उनके, वो उन्होंने मुल्क के लिए खेला है, अपने मुल्क के लिए खेले हैं। वो फेवरेट बैट्समैन या बॉलर कौन है इंडियन टीम का? इंडियन टीम का खिलाड़ी जो है ना मैं मानता नहीं जली ना, लेकिन फिर भी
जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना वो अच्छी दी है। छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं तो ये इंडिया ने जो कमाल कर दिखाया है ना भाई, बैटिंग तो उनकी पहले ही बड़ी जबरदस्त थी और बॉलिंग बड़ी बेहतरीन देखने को मिली है। यहाँ हम तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे जब तक हम रोहित शर्मा की बात ना कर ले, क्योंकि रोहित शर्मा ने 8 छक्के 7 चौकों की मदद से 92 रन, बेचारा सिर्फ एक दूरी पर और था, एक छक्का या 2 चौकों की मदद उसकी सेंचुरी पूरी हो जानी थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त उसकी इनिंग रही है। हम क्योंकि इस इरा में रहते हुए इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यह है क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो यकीनन हमें किसी न किसी को तो सपोर्ट करना है। अच्छा अच्छा, शुएब अख्तर भी कह रहे थे कि इंडिया अब तुम्हारी बारी, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात याद करा दी, ये वही ऑस्ट्रेलिया था जो फाइनल में जीता था और इंडिया 10 मैच जीतने के बावजूद खाली हाथ अपने मुल्क वापस लौटा था। क्या कहेंगे कि जिस तरह से इंडिया, बात करना चाहूंगा कि इंडिया ने सू समेत उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, उन्हें बताया कि भाई आप फाइनल की बात करते हो, हमने आज ही मैच को फाइनल बना दिया। एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पिछली दफा हराया है उसी तरह वो इंडिया इस दफा का बदला पूरा कर रही है और पाकिस्तान का भी बदला पूरा कर रही है। इस तरह लग रहा है कि वो पूरी टीम का बदला पूरा कर रही है। इस तरह मारा है उसने, रोहित शर्मा ने ऐसा धोया, क्या बात है। मिचेल स्टार्क का पहले ओवर जो 29 रन पड़े हैं उसने बड़ा मजा दिलाया। ऑस्ट्रेलिया का महंगा तरीन बॉलर रोहित शर्मा के सामने फुस हो गया क्योंकि पिछले मैच में उसको नहीं खिलाया, तो उसको अब थोड़ी बहुत तो होना है कि अप डाउन तो होना ही था, तो वो रोहित शर्मा के सामने अब टिक नहीं पाया। तो अब विराट कोहली देखिए इतना वर्ल्ड का अच्छा बैट्समैन है, टॉप का बैट्समैन है, लेकिन वो इस वर्ल्ड का बिल्कुल नहीं चल रहा। लेकिन इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया के पास अच्छे से अच्छा बैटर है, अच्छे से अच्छा बॉलर है। इंडिया का जो बॉलर है वो इस वक्त इतना अच्छा स्कोर कर सही पकड़े हैं। इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप की कितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। आगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है। बस साउथ अफ्रीका तो हिलती जुलती टीम है। मुझे ये बताओ आपको क्या लग रहा है कि जैसे इंडिया ने 140 करोड़ आवाम का दिल जीता, साथ हम जैसे छोटे मोटे फैंस का भी दिल जीता, तो फाइनल ट्रॉफी किसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया। इंडिया सही बात है जी। ऑस्ट्रेलिया आज रो रो के गया है कि मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। वो अब रोना तो था ही। ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड था उसको कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मैं तो हारने के लिए नहीं बना, मैं तो जीतने के लिए बना हूँ। तो इससे हमें कोई सबक भी तो मिलता है। हर किसी के ऊपर टाइम आता है। आज इंडिया का टाइम था। आज इंडिया का टाइम था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑस्ट्रेलिया का टाइम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का टाइम तो उन्होंने था, लेकिन जनाब उनकी विकेट गिराने में कामयाब हो गया। ये बड़ी बड़ी बात है, ये कमाल कर दिखाया। ये वो बदला है जो 2023 में जो इंडिया जीता हुआ मैच यानी 10/10 की स्ट्रीक के फौरन बाद जो उन्होंने वर्ल्ड कप ले गया ना ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने पैरों के नीचे रोंदा था उस ट्रॉफी को और बताया था, आज उन्होंने यानी आज इंडिया ने उस ऑस्ट्रेलिया बाय बाय फाइनल तक पहुंचा ही नहीं। वो उनको हाई वोल्टेज का झटका लगा, तरह के चौके छक्कों की बारिश थी इंडिया की तरफ से, जनाब ऑस्ट्रेलिया उस चौके छक्कों में रुड़ गया।